हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर संघ ने एक प्रेस वार्ता में जारी करते हुए कहा कि नए मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी की सेवानिवृत्त आयु को 65 से 68 वर्ष करने का संघ कड़ा विरोध दर्ज करता है। संघ के महासचिव डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा कि संघ हमेशा से ही अपने स्टैंड पर है, जिसमें कि सेवानिवृत्त आयु नहीं बढ़ाई जानी चाहिए। इससे नौजवान डॉक्टरों को जो फील्ड में इतने वर्षों से स्वास्थ्य विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनके मनोबल को एक गहरा आघात लगता है। हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर संघ ने एक प्रेस वार्ता में जारी करते हुए कहा कि नए मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी की सेवानिवृत्त आयु को 65 से 68 वर्ष करने का संघ कड़ा विरोध दर्ज करता है। संघ के महासचिव डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा कि संघ हमेशा से ही अपने स्टैंड पर है, जिसमें कि सेवानिवृत्त आयु नहीं बढ़ाई जानी चाहिए। इसमें नौजवान डॉक्टर जो फील्ड में इतने वर्षों से स्वास्थ्य विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनके मनोबल पर एक गहरा आघात लगता है, क्योंकि वे वर्षों से मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी के रूप में कार्य करने का सपना लिए होते हैं। संघ का मानना है कि हर व्यक्ति को अपने करियर में सर्वोच्च स्थान पर पहुंचने का हक है, लेकिन इस तरह अगर बार बार सेवानिवृत्त आयु बढ़ाई जाएगी तो इससे चिकित्सकों के मन में भी एक संशय की भावना और मनोबल में गिरावट होना स्वाभाविक है। संघ ने पहले भी सरकार से प्रार्थना की थी कि नियमित पदोन्नति की जाए, ताकि जो चिकित्सक अपनी पदोन्नति की राह देख रहे हैं, उनको भी इन कॉलेजों में आने का मौका मिले, और जो पहले से ही इन कॉलेजों में कार्यरत हैं, वे उससे उच्च स्थान पर पदोन्नत होकर अपनी कार्यक्षमता से हमारे नए मेडिकल कॉलेजों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। संघ ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति विशेष की कॉलेज की फैकल्टी में अगर आवश्यकता है तो उनको सेवानिवृत्त के बाद उनके विशेष विभाग में रिप्लायमेंट की जगह की जा सकती है। इससे जो नियमित पदोन्नति होने होती है वह भी नहीं रुकेगी और फैकल्टी की समस्या भी दूर हो जाएगी। संघ का पहले से ही स्टैंड है कि प्रशासनिक पदों जैसे कि प्रिंसिपल का पद, विभागों के मुख्य चिकित्सक पदों पर सेवानिवृत्त आयु पूरे हिमाचल प्रदेश में एक समान 62 वर्ष की होनी चाहिए, जैसे कि हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा में है। संघ ने सरकार से ये सवाल किया है कि अभी तो सेवानिवृत्त आयु बढ़ाई जा रही है, लेकिन इतने कॉलेजों के खुलने के बाद भविष्य में जब चिकित्सक वर्ग की संख्या बढ़ेगी तो क्या उस समय सरकार सेवानिवृत्त की आयु को फिर घटाएगी, जो कि तर्क संगत नहीं लगता। संघ ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में सेवाएं दे रहे चिकित्सकों को पहले तो 1 साल की फील्ड सर्विस करनी पड़ती है, उसके बाद उन्हें 3 साल की रजिस्ट्रारशिप करनी पड़ती है, जिसकी वजह से उनके जूनियर उनसे आगे निकल जाते हैं। इसलिए संघ ने सरकार से भी गुजारिश करी थी कि 1 साल की फील्ड सर्विस को रजिस्ट्रारशिप में ही काउंट किया जाए, ताकि नौजवान डॉक्टरों के करियर में किसी भी तरह का ब्रेक ना लगे और हिमाचल के नए मेडिकल कॉलेजों में एक योग्य फैकल्टी मिल सके। संघ ने कहा कि इसके बारे में उन्होंने सरकार को भी पत्र लिखा है और संघ को पूरी उम्मीद है कि इस परामर्श को और चिकित्सकों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सेवानिवृत्त आयु को नहीं बढ़ाया जाएगा। हमने पहले भी सरकार से अनुरोध किया था कि जो रिटायरमेंट एज है उसको बढ़ाया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे जो नौजवान जो डॉक्टर फील्ड में कार्य कर रहे हैं और जो ये सपना उनका है कैरियर में कि हमने कॉलेज को एज ए फैकल्टी ज्वाइन करना है और कई सालों से पेरिफेरी में सर्विस दे रहे हैं, उनको इस फैसले से बहुत आघात लगा है, क्योंकि अगर आप रिटायरमेंट एज 68 कर देंगे तो वो कब कॉलेज में जो है एज ए फैकल्टी ज्वाइन करेंगे और कब वो जाके अपने लाइफ टाइम में कब वो प्रोफेसर HOD बनेंगे। इसलिए हमने सरकार से गुजारिश की थी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैं, प्रिंसिपल, HOD की जो पोस्ट है, उन पे जो रिटायरमेंट एज है वो 62 ही रहनी चाहिए, ताकि नौजवान युवाओं को भी आगे बढ़ने का मौका मिले। और अगर हमें फैकल्टी की कमी है तो फैकल्टी की कमी को आप रीएम्प्लॉय करके उनको आप दूर कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आपने देखा कि इतने सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी देश में खुल रहे हैं, उनमें सब जगह जो है रीएम्प्लॉयमेंट दी गई है, 70 साल तक दी गई है वहां पर रीएम्प्लॉयमेंट, तो हमें उस रीएम्प्लॉयमेंट देने से हमें किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि उससे जो नौजवान डॉक्टरों का जो रेगुलर DPC का जो वो है एक प्रक्रिया, उस पर रोक नहीं लगती है। तो हमारी सरकार से यही निवेदन है कि जो रिटायरमेंट एज है उसको बल्कि 62 किया जाए, क्योंकि अब तो प्रदेश में इतने सारे मेडिकल कॉलेज भी खुल रहे हैं और
अब कल को अगर 4-5 साल बाद हमारे पास इतने डॉक्टर हो जाएंगे तो क्या आप फिर उसके बाद रिटायरमेंट एज को कम करेंगे? तो इसलिए सरकार से, जो कि तर्कसंगत नहीं लगता, और सरकार से गुजारिश है कि देना तो आसान है और उसको वापस लेना बहुत मुश्किल है। तो कल को जब हमारे पास डॉक्टरों की संख्या बढ़ जाएगी तो फिर क्या करेंगे उसका? तो इसलिए हमारी हाथ जोड़ के सरकार से यही विनम्र निवेदन है कि जो रिटायरमेंट की एज है उसको जो है वो 62 किया जाए कॉलेज की। धन्यवाद।